किस तरीके से कर सकते हैं तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो हीर आप कुछ कहना चाहती है? समझ में आया ना? लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, ओनली मेरे चैनल, मतलब मेरे चैनल को। तो आज जो हम लोग मेकअप वीडियो बना रहे हैं वो 8 साल की बच्ची से बच्ची का मेकअप वीडियो मैं करूंगी। और ये जो है ना, ये मेरी स्टूडेंट है, इसे मैं अपना ट्यूशन पढ़ाती हूँ। बोलो, प्रोफेशनल ही नहीं हूँ मैं ऐसी मतलब ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो ये आज मेरी स्टूडेंट है, इसका मैं आज मेकअप करने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा यहाँ मेकअप वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हो आप लोगों के लिए यह यूजफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? मेकअप स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ना मैं मेरी बच्ची के फेस को प्राइम करूंगी, मैं मॉइस्चराइज करूंगी, क्योंकि मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ निविया सॉफ्ट का लाइट मॉइस्चराइजर। इसे मैं इसके फेस में हल्का हल्का लगा रही हूँ इस तरीके से। ये क्या है, बच्ची है ना, इसका फेस मॉइस्चराइज हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छे तरीके से चलो ये अपना क्रीम अच्छे तरीके से लगा लो। ऐसे कौन लगाता है, ये अच्छे तरीके से मैंने इसका फेस मॉइस्चराइज कर दिया है। इसके बाद हम लोग ना 2 मिनट रुकते हैं, कभी भी हम मॉइस्चराइज करेंगे तो पहले लगाने से पहले ना हमको 2 मिनट रुकना रहता है। प्राइमर के लिए यूज कर रही हूँ ये एलोवेरा जेल। ओके, तो एलोवेरा जेल को मैं हल्का सा इस तरीके से थोड़ा सा लेकर के मैं इसके फेस में अच्छी तरीके से प्राइम कर देती हूँ। ओके, आप लोगों को अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ऐसा वो नहीं है, देखिए थोड़ा जूम कर दी हूँ, तो इसे ना मैं अच्छी तरीके से प्राइम कर दूँ लिप्स को, आईज को अच्छी तरीके। उसके बाद ना इसका जब मेकअप कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम लोग ना अच्छी तरीके से ना इसका हेयर स्टाइल बनाएंगे। ओके, कितनी खुश बजा रही है बेटी, ठीक है। तो ना हम लोग इसका अच्छा से हेयर स्टाइल बनाएंगे प्लस मेकअप करेंगे। ओके, तो हमारा प्राइमर वाला जो पार्ट होता है वो खत्म होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं फाउंडेशन की तरफ। तो फाउंडेशन में ना मैं बच्चों का स्किन मतलब सेंसिटिव होता है, तो मैं ना इसमें इसके यूज में ना मैं बीबी क्रीम का, सॉरी सीसी क्रीम का यूज कर रही हूँ 95 लैक्मी 9 to 5 का, ठीक है। क्योंकि फाउंडेशन लगाऊंगी बार बार ब्लेंड करना पड़ेगा, और बच्चों का क्या होता है स्किन सेंसिटिव होता है तो कुछ रिएक्शन कर दे, तो ये जो लैक्मी का होता है ना, इससे बच्चों को कोई भी मतलब ज्यादा हार्श नहीं होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर ये देखो ये लैक्मी 9 to 5 का सीसी क्रीम है, इसे मैं अपने फेस में अप्लाई करती हूँ इस तरीके से। फिर उसके बाद फर्स इसको बंद करिए, आपको पता है कि ना बच्चे लोग के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं पूछना नहीं है। अब मैं इसे ब्लेंड करूंगी, हमारा ब्यूटी ब्लेंडर ठीक है, ये हमारा ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड करूंगी। ओके, उधर मत जाओ, इधर आओ, उधर तक पे जा रही है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ बस धीरे धीरे, छोटे बच्चे लोग का जो मेकअप होता है ना बहुत ईजी होता है, बस पाउडर लगाओ, फाउंडेशन लगाओ, मेकअप क्लियर, फाउंडेशन बोलती हूँ सॉरी, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, बस इतनी चीजों से इनका मेकअप हो जाता है। तो ये देखिए, नाक बंद करो, नाक के ऊपर भी लगाओ, थोड़ा नाक भी चमकना चाहिए इस तरीके से। पूरा ये फेस गोरी गोरी दिख रही है ना, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से मैंने इसके फेस में क्रीम लगा दिया है। तो उसके बाद ना कंसीलिंग में करूँ या ना करूँ, वही सोच रही हूँ मैं, कंसीलिंग कर ही रही हूँ। क्या है ना, बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पर उनका पिगमेंटेशन होता है तो वो थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो उसके लिए मैं यहाँ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आई थी हल्का हल्का मैंने कंसीलिंग कर दिया है, कंसीलिंग देख लो आपको मैं कैसे की। यहाँ ना आधी मानव लोग छोटा छोटा निकाल दी हुआ, अच्छा लग रहा है, ऐसे ही रहा पूरा तरीके से, पूरा अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर दिया है, और हीर का फेस पूरा चमक रहा है ना, हीर गोरी बॉय नहीं गोरी गर्ल। ओके, तो फिर उसके बाद मैं इसके कंसीलर और जो फाउंडेशन क्रीम होता है उसको सेट करने के लिए ना मैं यहाँ ब्लू हेवन का, अच्छी लग रही है यहाँ ब्लू हेवन का ना मैट इफेक्ट का पाउडर यूज कर रही हूँ। ठीक है, ज्यादा नहीं हुआ है आपका फेस के हिसाब से, ठीक है, बस अच्छी लगेगी तो बताना। ओके, लास्ट में वीडियो के लास्ट में जरूर बोलना कि मैं कैसे दिख रही हूँ, अच्छी लग रही है कि गंदी लग रही है, सब बताना। ओके, इस तरीके से मैं इसके जो फाउंडेशन होते हैं ना इसको मैं सेट कर रही हूँ, ठीक है। ये पूरा फेस सेटिंग हो चुका है हमारा, क्या है ना मेरे को लग रहा है इसके जो मतलब स्किन टोन के हिसाब से ना मैं स्किन क्रीम जो लगाई हूँ वो थोड़ा सा लाइट हो गया है,
का फेस इसको पता नहीं क्या हो जा रहा है, बार बार उसे देख रही है, बड़ा भाई बेटर हो रहा है ना उसके लिए। अभी मैं बात करना चाहूंगी। ओके, तो यहाँ पास हमारा फाउंडेशन और क्या बोलते हैं हमारा सब चीज सेटिंग हो चुका है। उसके बाद मैं हल्का हल्का इसका आईब्रो फिल करूंगी। जो आईब्रो है ना यहाँ पास थोड़ा सा अलग दिख रहा है, मतलब हल्का हल्का फिल कर देने से थोड़ा ब्लैक टाइप से अच्छा दिखेगा। क्या हो गया? ठीक है, तो मैं इसका आईब्रो फिल कर देती हूँ। तो आईब्रो फिल करने के लिए मैं यहाँ पास ये आईब्रो का पेंसिल ले रही हूँ, जो आईब्रो इनहेंसर होता है। मैं यहाँ पास हल्का हल्का इसका आईब्रो फिल कर रही हूँ। ओके, एकदम धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा ब्लैक टाइप से कलर दिखेगा, बहुत सुंदर। इस साइड का आप आईब्रो देख सकते हैं, थोड़ा मतलब इसमें स्किन दिख रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा ब्राउन कलर अच्छी तरीके से अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पास ले रही हूँ ये पिंक सेट है ना, ये जो पिंक वाला जो कलर है ये अब मैं ले रही हूँ, देखते रहना बाद में। ठीक है, अब ये पिंक कलर को ना मैं इसके थोड़े से इस साइड के एरिया में प्लेस कर रही हूँ। देख सकते हैं इस तरीके से, बस आप ऐसे रहना है। तो अभी मैं इनके आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए यहाँ मैं लैक्मे का जो काजल, सॉरी जो आईलाइनर होता है ना, ये मैं यूज कर रही हूँ। हल्का हल्का, ज्यादा भी हाँ, विंग बच्चे लोग के लिए अच्छा लगता है तो विंग लाइनर हम लगाएंगे। फिर आपको मत करो अच्छा रहेगा। तो अभी इसका आईलाइनर सूखने तक आप वेट करो। तो काजल के लिए ना मैं यहाँ ब्लू हेवन का सॉफ्ट काजल यूज कर रही हूँ, ये ब्लू कलर का है। बाकी आईलाइनर तो सूख चुका है। ये मैं ना अभी ब्लू
काजल यूज कर रही हूँ, ये है ब्लू हेवन का ब्लू काजल। इसे आइस में ना अलग ही लोग आता है, जो हम लोग ब्लैक ब्लैक काजल जो हम लोग लगाते हैं ना वो अलग दिखता है, और ब्लू काजल होता है आंखों लगा कोई ये कुछ नहीं होता। ऊपर देखो तो ब्लैक काजल जो और ब्लू काजल में ना बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है, ये देख सकते हो इसका आइस कम्प्लीट हो चुका है। तो हम लोग लिप्स के साइड में चलते हैं, तो लिप्स के लिए मैं यहाँ कर रही हूँ रूज हुडा ब्यूटी का मैट लिप ग्लॉस। ये जो है ना हमारा थोड़ा गाजरी टाइप का कलर है, ये बच्चे लोग के लिए ज्यादा अच्छा लगेगा, तो चलिए मैं इसे अप्लाई करती हूँ। बच्चे लोग के लिए कभी भी आप लिपस्टिक लगाओगे ना तो सबसे पहले लोअर पे लोअर बोलो तो ठीक है, फिर उसके बाद ना हाँ चुप रहो, फिर उसके बाद ना हमको ऊपर लगाना है। इसका लिप्स कंप्लीट हो चुका है, कितनी सुंदर दिख रही है मेरी बच्ची, ठीक है। तो ये देख लो मेरी स्टूडेंट का ये मेकअप कंप्लीट हो चुका है। इनकी जो छोटी बहन है ना सेम टू सेम है भाई, ये लोग ना तीनों के तीनों भाई बहन ना सेम टू सेम है। तो अब ना मैं इस फेस को ना थोड़ा हाईलाइट करूंगी, हाईलाइटर यूज करती हूँ। ओके तो ये है मेरा स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर, और यहाँ पर मैं हल्का हल्का यूज करूंगी, ज्यादा नहीं, तो क्या ना फेस इनका चमकने लगेगा, चमक जाएगी। फिर इसके बाद ना इनका मेकअप कंप्लीट हो जाने के बाद में हम लोग यहाँ पास अब थोड़ा सा इनके हेयर स्टाइल की तरफ चलेंगे। ये देख सकते हैं तनाक सुंदर लग रही है, और यहाँ पास थोड़े से बच्चों को चीन में भी लगा दीजिए, क्योंकि ये जो मैं मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ ना ये बच्चों को कोई भी हार्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हेयर का पूरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मेकअप को फिक्स करने के लिए ना मैं यहाँ पास मेकअप फिक्सर का यूज करूंगी, जो है मेरे पास ना 7 सेम्स का है, तो इसका मैं छोटा छोटा झुमकी पहनाने जा रही हूँ। तो इसके कान में तो वैसे भी ये एक बाला पहनी हुई है, तो इसके ऊपर में ही ना इसे लटका दी हूँ। ओके इसे क्या कितनी सुंदर दिख रही है हमारी हेयर देखो, है ना। तो अब ना मैं इनका हेयर स्टाइल करती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ओके तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने हेयर का मेकअप कंप्लीट कर दिया है, और ये ना सिर्फ 8 साल की है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 8 साल की बच्ची है ये, 3rd क्लास में पढ़ती है। देख सकते हो कितना सुंदर मेकअप हुआ है इसका। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे झुमकी पहना दी हूँ इनको, ये देखो छोटा छोटा झुमकी है, गले में ब्लैक कलर का चोकर पहनाई हूँ, और ये मेकअप का तो आप लोगों को मैं पूरा बता दी हूँ। और ना आपको बता दी यहाँ से ना मैं पूरा इसमें साइड ऑफ करके यहाँ से अटैच कर दी हूँ, फिर उसके बाद इस साइड को ये जो हेयर है यहाँ से हल्का हल्का मोड़ करके यहाँ पर एक पिन लगा दी हूँ, उधर ये देख सकते हो से मैं यहाँ पर पिन लगा दी। ओके और यहाँ ऊपर में ये वाले जो रिबन होते हैं ना, मतलब ये वाले जो हेयर रबर वगैरह होते हैं ना, इनको अटैच करने के लिए ना मैं यहाँ एक ऊपर में हाफ ये इधर ये देख सकते हो इधर का बाल पूरा निकला हुआ है, हाफ जो कोनी होता है वो मैं बना रही हूँ। और इस तरीके से मैंने मेरी बेटी का मतलब मेरी स्टूडेंट का मैंने मेकअप किया है। तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये छोटे बच्चों का मेकअप पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे ही बच्चों के मेकअप भी मैं लाते रहूँगी साथ ही साथ। और साथ ही साथ ना जो मेरा चैनल है ना वो ना मेकअप के लिए रिलेटेड है, लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स बहुत सारा चीज़ है इसमें, वो इस तरीके से जो मेकअप है स्माइल तो इस तरीके का जो मेकअप है ना आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और मेरी सुंदर सी स्टूडेंट कैसी लग रही है ये भी आप मेरे को जरूर बताइएगा। तो मैं इसे ना अच्छी तरीके से आपको प्रेजेंट करती हूँ, देखिए ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से ये लड़की तैयार, मतलब ये इस लड़की को मैंने तैयार किया हुआ है, ये बच्ची को बहुत ही प्यारी दिख रही है, इसके साथ मैं फोटो वोटो लूंगी। तो हो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा यह चैनल मेरा ये जो वीडियो है ना इतना एक्साइटमेंट हो गया मेरे को, ये जो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ना लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करिएगा। सुंदर दिख रही है ना, आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं बोलना यार, मेरे मैम के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करिएगा, लाइक एंड शेयर सब करिएगा। ओके बच्ची भी बोल दे तो आपको करना जरूर पड़ेगा। थैंक यू बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो ना मैं इसका ही मेकअप करूँ नेक्स्ट बच्चे के।